अस्सलाम वालेकुम प्यारे, और कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो मैं भी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो ज़िशान ने अभी तैयारी जो है कर ली है, तो अभी मैं चाय जो है वो गर्म कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद ना ज़िशान फिर चले जाएंगे। बच्ची वगैरह वो चली गई है, बड़ी बच्ची, उन्होंने चाय वगैरह भी नहीं पी, वो चली गई है। मैंने चाय गर्म मैंने कहा कि मैं चाय गर्म करती हूँ, लेकिन वो कह रही कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, तो वो चली गई है। अब ज़िशान को मैं चाय जो है वो गर्म करके देती हूँ, और फिर उसके बाद ज़िशान भी चले जाएंगे और मैं सफाई सफाई वगैरह जो है वो करूँगी। और रज़ाइयाँ पड़ी हुई हैं उनको सीना है मैंने। आज मैं सोच रही हूँ कि रज़ाइयों के लिए ये मैंने कवर जो है ऊपर चढ़ा दिए, रख दिया है इनको। तो अभी कवर चढ़ाया दिखाया नहीं है आपने? नहीं, मैं शाम को मैंने जल्दी जल्दी से चाड़ दिया था ताकि इसमें मट्टी ना वगैरह जाए। तो मैं चलो मुंह जो मैं जब इसका बनाऊंगी ना तो फिर दिखाइएगा अपने व्यूवर्स को। हाँ, तो फिर मैं दिखाऊंगी आप सबको। चाय वगैरह जो है वो मैं गर्म करती हूँ। ये देखिए चाय, ये पहले वाली पड़ी हुई है। हाँ, पहले वाली पड़ी हुई है। ये हमारी देगड़ी देखिए, अपने देगड़ी, सॉरी देगड़ी, ये देखिए ना, ये जो है ना, ये हमने खुद डिजाइनदार बनाई थी, वो बनाई थी इसके क्या? बड़ी थी ना ऊपर से, इस वजह से इसको हमने थोड़ा छोटा किया था। कैसे तो आज हमारे यहाँ जो हमारी सड़क है, हाँ, शाम को यार उस पर टैक्टर लग रही है। अच्छा, शाम को मैं गया हूँ ना, उन्होंने कहा ऐसे ना भी लोग में दिखाएं, जब मुकम्मल तैयार हो जाए ना तब दिखाएं। अच्छा, आप हमारी इंसल्ट ना करें, हमने ऐसे बिखेर रखा है सामान को। हाँ। तो उन्होंने मुझे, मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो कहते हैं हमने आपका व्लॉग देखा था एक दफ़ा। हाँ। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका व्लॉग देखें, लेकिन हम देखते हैं। उनके जिम्मे होती है ना फलानी जगह पे जाना और बनाना, तैयार करना सब कुछ। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये सड़क वगैरह बन गई है। वैसे तो इतनी मट्टी थी ना, आंधी आती थी ना पूरी मट्टी अंदर आ जाती थी, लेकिन अब जो है मुकम्मल हो रही है, ईंटें वगैरह लग रही हैं, तो सब कुछ बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो बिल्कुल, बिस्किट मैं लाया था भला, पता नहीं एक बिस्किट, हाँ बिस्किट भी मैं लाया था, बिस्किट भी खा के ना बिस्किट जाता हूँ। हाँ। और फिर आ जाऊँगा मैं 1 बजे। हाँ, 1-2 घंटे लग जाएंगे। अब जाएंगे लोथरा सिटी में, काम वगैरह है और कोई प्रोजेक्ट पे काम भी करना है ज़िशान ने। हाँ, थोड़ी परचेजिंग करनी है। असल में ना इधर जो है ना थोड़ा महंगा मिलता है। हाँ। वो सामान जो है ना यहाँ पर थोड़ा महंगा मिलता है, इस वजह से जो है ना उन्होंने, लड़कों ने मुझे पैसे दे दिए सारे, यानी 2-1,000-2500 उन्होंने मुझे दे दिया है। 2500 एक खर्चा आता है प्रोजेक्ट पे, दरमियान में कुछ मेरे भी पैसे ऐड किए हैं मैंने अपने भी, तो मैंने कहा चलें वो ले आते हैं फिर। तो उन्होंने कहा आप लोधरा चले जाओ क्योंकि आपका शहर है, आपको पता है, वो बाकी जो है ना वो कोई त्रंडे से है, कोई जो है ना है इधर से लियाकतपुर से, कोई रहीम यार खान से है। हाँ, सब बच्चे यहाँ पे हॉस्टल में इनके वो रह रहे हैं, वो हॉस्टल कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं साथ साथ। जो लोग अच्छे खासे अमीर हैं वो तो अब MPL भी लाहौर ही करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं ना मेरा इरादा था कि मैं स्कॉलरशिप पे आगे पढ़ूँ, मतलब लेकिन अबू जिंदा होते ना तो वही स्कॉलरशिप बात आ जाती है। स्कॉलरशिप मुझे मिलती है, लेकिन जो है ना क्या कहते हैं उसे, यानी कि स्कॉलरशिप को क्या टेस्ट मेरा क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन पीछे से अम्मी वगैरह वाले लोग जो है कल्ले हो जाते हैं, मतलब अकेले हो जाते हैं, सिस्टर वगैरह अकेली है ना, इसलिए तो आपको सबको पता है कि अकेला बंदा सही नहीं होता, क्योंकि जब तक फैमिली के साथ बड़ा कोई ना हो। तो आपके अंकल जिंदा थे तो ज़िशान ये सब यहीं रहते थे, और हम दोनों जो है वहाँ विलेज में रहते थे। तो ज़िशान अभी भी यही सोच रहा था और यही बात कर रहा था, काश मेरे अबू जिंदा होते तो मैं पता नहीं आगे क्या कुछ कर सकता। तो ये तो फिर वक्त की बात है, फिर अल्लाह ताला ने आपके अंकल को ले लिया। तो अक्सर लोग अम्मी मुझे कहते हैं कि भाई आप ना हमें अंकल की कब्र दिखाएं, तो वो मैं मुहर्रम में या उससे पहले, मुहर्रम में जाना होगा अभी, अभी मैं जाता हूँ, मैं 1 महीने बाद चक्कर जरूर लगाता हूँ, तो आपको जरूर दिखा दूंगा इंशाल्लाह। एक तस्वीर बना कर ना, हाँ दिखा दे, भेज देगा, भेज दूंगा। मिस तो आप उन्हें बहुत काफी ज्यादा करते होंगे, क्योंकि आप चैनल भी उनका, पिछली वीडियो देखे ना, बहुत अच्छी वीडियो थी उनकी, यानी कि उन्होंने 1 साल मेहनत की, अच्छी खासी मेहनत की, लेकिन बेचारा वो क्या करता, बीमार हो जाता था ना, इसलिए बीमार हो जाते थे। बिल्कुल, हाँ बीमार रहता था और कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा। चले, चाय जो है ना वो बन चुकी है,
जल्दी करें, मुझे लेट हो रहा है। हाँ, काली चाय हो गई है। चलो बस मैं रखती हूँ इनको, पहनती हूँ उनको, अपने आप को डाल देती हूँ। मैंने कहा भी है बड़ी बच्ची को, पी कर जाओ, नहीं चली गई है। उसकी चाय भी उसकी ही थी, मैंने तो थोड़ी सी सुबह पी थी। आपने पी हुई है सुबह? मैंने सुबह थोड़ी सी कम करूँ। हाँ थोड़ी कम कर दें, कम कर दें, थोड़ी नॉर्मल कर दें, बस ठीक है, काफ़ी। चलो बिस्किट वगैरह मैं ले आता हूँ, फिर जो है ना खाते हैं। तो सॉरी मैं जो है ना मोबाइल ले करने जा रहा है लोधरा में, तो उधर आपको क्लिप नहीं दिखाऊंगा। जब घूमने जाऊंगा ना परसों वाले दिन दोबारा जाना है मैंने लोधरा, फिर आपको दिखा सकूंगा। क्योंकि मेरे साथ टीचर है, मेरे उस्ताद है मेरे, उनको मैंने उधर लोधरा मतलब कि वो थोड़े पीछे जो है वो छोड़ना है। तो अच्छा नहीं लगता कि अपने उस्ताद की जो इज्जत करता है वो बहुत कामयाब होता है। तो उस्ताद की यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने इस मकाम तक मुझे उस्ताद और अपने माँ बाप की इज्जत से और आप लोगों की दुआओं से पहुँचाया है। तो बाकी अभी जो है ना वीडियो यानी कि शूट करेंगे, दोपहर को भी करेंगे, फिर शाम को भी करेंगे। ये तो दिन भर का व्लॉग होता है हमारा। हाँ दिन भर का जो हम काम करेंगे वो आपको दिखाया करें, दिखाएंगे आपके साथ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जीशान। वालेकुम अस्सलाम, हम तो कैसे हैं आप? कैसी हैं आप जी? और हमारे देखने वाले कैसे हैं? सब ठीक हैं। और ये क्या कर रहे हो जीशान? सुबह सुबह का टाइम आपको पता है, इस्त्री कर रहा हूँ, कपड़े प्रेस कर रहा हूँ, और यानी कि जाना है यूनिवर्सिटी, तो इस वजह से जो है ना मेरी यूनिफॉर्म तो है नहीं, आपको पता है मैं यूनिवर्सिटी में मतलब बाकी सब यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं, मैं ऐसे ही जाता हूँ कपड़े वगैरह पहन के जाता हूँ, तो यूनिफॉर्म वगैरह है नहीं। दो एक सूट, दो तीन सूट हैं, एक पुराना है, एक दो पुराने और एक नया जो अभी हमने मतलब कि मैंने ईद कर लेकर जीशान को तो एक आध सूट मैंने लेकर दिया था जी, वो पास था, थोड़ा सा हल्का था, यानी कि वो कपड़ा सही नहीं मिला था बस। हाँ वैरायटी सही नहीं मिली उसकी, पता नहीं क्या वजह थी, वैरायटी जो है ना वो खराब थी, इस वजह से यानी कि वो खराब हो गया था बिल्कुल। तो मैंने ना तकरीबन आना है मेरे ख्याल में कोई 1-2 बजे तक आना है, उससे पहले जो जो चीज़ें मतलब आपको ज़रूरत है आप मुझे बता दें, मैं ना आपको लेकर देकर जाता हूँ, फिर जो है ना बाद में मसले मसाइल ना हो। हाँ और बच्चियाँ भी आ जाएंगी। हाँ क्योंकि घर में कोई और तो है नहीं बड़ा बंदा। हाँ। मैं ही हूँ एक, तो बाद में आपको जो है ना मसले मसाइल होंगे, इस वजह से जो है ना मैं आपको लेकर देकर जाऊँगा इंशाल्लाह से, अल्लाह के करम से। फिर मैंने लोधरा भी जाना है, उधर भी मैंने जो है ना हमारे फेलोज वगैरह वहाँ पर यानी कि कोई उनकी वो है उन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उन्होंने एक प्लेस देखी हुई है वहाँ पर जो है उन्होंने कुछ सर्च वगैरह करना है, सर्च आउट करना है, तो इस वजह से जो है ना उधर भी मैंने जाना है। और ये कपड़े जो है ना सही तरीके से इस्त्री नहीं हो रहे, पता नहीं क्या वजह है इनकी, पुराने हैं जीशान, रगड़ रगड़ करना उनको सही कर रहे हैं। तो पुराने नहीं है बस ठीक है, बेहतर ही है, गर्मियों में ऐसे ही ठीक होते हैं। गर्मियों में अक्सर पतले कपड़े ही पहने जाते हैं, मोटे तो नहीं पहने जाते। हाँ गर्मियों के हिसाब से तो ठीक है, डबल सिलाई करवाई थी मैंने उधर से अपने विलेज एरिया से, यहाँ पर तो सिंगल सिलाई के भी 1000 रुपए ले लेते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा वहाँ पर जो है ना, अभी अभी भी हमने एक ईद का सूट सिलवाया था ना जीशान का, तो उन्होंने अच्छी अजीब किस्म का सिया है ना, वो तो आप क्लास जैसे सिलाई होती है उस टाइप की नहीं सी मतलब, और उन्होंने जो है ना ऐसे फालतू के यानी कि फजूल के 1000 जो है ना मुझसे चार्ज कर लिए। मैंने कहा आपने सिया तो ठीक नहीं है, यानी आप यानी कि ये तो कह रहे थे कि भाई हम आपको डबल सिलाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लास्ट में जब मैं उठाने गया 27 की रात थी, तो उन्होंने जो है ना सिंगल सिलाई की हुई थी। मैंने कहा खैरियत थी आप लोगों ने सिंगल सिलाई कर दी है, वो जल्दी में थे ना थोड़ी, तो वो कह रहे थे 650 सूट आया था हमारे पास, 650 सूट से देख लें, 650 सूट से आप 1000 रुपया पर सूट चार्ज करें, 6,50,000 बनता है, दर्जी ने ठीक ठाक कमा लिया, और चलो 2-3 लाख उसके एक्सपेंसेस होंगे, 3-1 लाख फिर भी उसे बचत है, यानी उसका सीज़न था, इस वजह से जो है ना उसने कपड़े ऐसे ख़राब करता गया। कुछ लोग थे जो सख्त होते हैं यानी सख्त मिजाज टाइप के होते हैं, वो तो यानी कि वो करते हैं क्या कहते हैं, वो तो डंगे की चोट पर यानी काम ले लेते हैं, अगर सही ना सीए
तो उसे गालियां खानी पड़ती हैं। तो दर्जी भाई, चलो जहान बच्ची जो है तैयारी करती है, तो आगे का मैं फिर दोबारा जो है वो आप सबको आगे का क्लिप वगैरह जो है वो दोबारा दिखाऊंगी। चले ठीक, अभी मैं रखती हूँ कि फिर वो बड़ी बच्ची जो है वो तैयारी करना चाहती है। तो प्यारे बस बना रहे हैं सालन, थोड़ा सा जीशान ने कहा मुझे एक आध आलू जो है वो उसको तड़का लगा करना मुझे दो। अभी अभी जीशान जो है वो पहुँच चुके हैं, तो मैंने चलो सोचा थोड़ा सा बना लूँ। ये मैंने मसाला वगैरह जो है ये भी मैंने इनकी इसको परीक करके ना रगड़ करना इसको ये कर डाल दिया है। अब इसमें मिर्चा वगैरह जो है वो डालते हैं, और गैस लगता है आई हुई है, तो इसमें यहाँ पे ना मैं बना लूँगी थोड़ी सी, तो खा लेंगी थोड़ा सा। सुबह कुछ भी नहीं खाया, चला गया था ऐसे ही चाय वगैरह पी कर। अभी वो कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे बना कर दो। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आगे, रास्ता जो है वो पूरा पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है, क्योंकि वो ईंटें लग रही हैं ना, तो इसलिए वो मीठा पानी जो हम पानी भरते हैं ऐसे वो फिल्टर वाला, तो वो भरने गया हुआ था जीशान, पता नहीं रास्ता आगे बंद था, बहुत मुश्किल से लगता है भर कर। वो अभी भी मेरे ख्याल मुझे आवाज़ आ रही है कि वो आ तो चुका है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो रास्ता जो है मिला है। अभी इनके लग रही है ना ईंटें वगैरह मुकम्मल हो जाएंगी ना, क्योंकि रेत वगैरह और ईंटें वगैरह सब कुछ ना बिखरा पड़ा हुआ है ना, इसको ऊपर तो प्यारे बस सालन मैंने बना लिया है, आलू और प्याज वगैरह और डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालते हैं। ज़ीशान को भी बुलाते हैं, ज़ीशान कह रहे हैं मुझे थोड़ा सा यानी कि दो मैं खाता हूँ, तो ये ज़ीशान के लिए है और दूसरा मैं अपने लिए, मैं अपने लिए थोड़ा सा मैं भी बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि फिर अभी बड़ी बच्ची जो है वो आने वाली है, वो भी खाएँगी, और छोटियाँ जो हैं वो भी कुछ ने खा लिया है, वो थोड़ा सा जो रात वाला सामान बचा हुआ था, तो अभी मैंने थोड़ा सा फिर ताज़ा जो है वो बनाया है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, जिस मेरे बहन भाई ने खाना आ जाए तो हमारा यानी कि दोपहर का नाश्ता। और आलू वैसे अच्छे बनते हैं, मैंने तड़के वाले आलू जो हैं वो बनाए हैं। सो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं हैप्पी सिस्टर्स, तो ये हमारा जो है ना, ये हमने कैलियोग्राफिक पेंटिंग जो है ना मेरी बहनें करती हैं। ये देखें, ये एक साथ में क्या बैठा है अम्मी, ये देखें साथ में एक कुत्ता बैठा है और साथ में बंदा बैठा है। हाँ। क्योंकि आज पता है आजकल इंसान जो है ना वो वफादार नहीं होते, कुत्ते ज्यादा वफादार होते हैं। हाँ, साथ में बैठा है। तो ये जो है ना, ये देखें एक यानी समंदर के किनारे दो बंदे बैठे हुए हैं, दो बंदे नहीं एक बंदा बैठा है। अच्छा, ये जो है ना, हाँ एक बंदा बैठा, ये उसको देख कर बनाया गया है, किसको भला ये मैं बताऊँ, ये उसको इसे खा लिया है मेरे ख्याल में, अमेरिका का एक सी है ना वो ओशन उसको देखकर बनाया। तो ये भी बनाया गया है हाथ से, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, ये देखें ये भी हाथ से ही बनाया गया है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत। इसको ऐसे रख दे, कोई उनके सामान को गड़बड़ ना करे, मैं बना कर रख, नहीं ये पहले पढ़ा नहीं था, ये वाला इधर रख दे, ये वाला इधर रख दे, और ये वाला दिखाएं अब उधर, इसको हाँ इसको इस साइड पर रखना है। ये कलर्स हैं, ये देखें एक्रॉलिक कलर सेट 12x12 ml ट्यूब्स। तो अजान हो रही है, अजान एक पहले अजान जो है ना वो हो चुकी है, अब दूसरी तीसरी पता नहीं अजान हो रही है, इस वजह से यानी कि हमने जो है ना वो वीडियो जो है वो कट नहीं की और वीडियो बना रहे हैं। ये अलामा इकबाल की पड़ी हुई है, डॉक्टर अलामा इकबाल, ये भी गिफ्ट में मिली थी बच्ची को। हाँ, ये उनकी पोजीशन आई थी छठी सातवें में। हाँ, शिकवा जवाब शिकवा, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, तो ये किताब मिली थी बिल्कुल दूसरी बच्ची को। हाँ, और ये देखें ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पेस्ट है, थोड़ा कलर है, ये पानी वगैरह बनाती है और इससे ना वो कलर वगैरह जो है
वो सब ना यूज़ करती हैं, ये इसमें भी सामान जो है पड़ा हुआ है, और कुछ ये भी है, ये और कलर है, ये शैम्पू नहीं, ये तो शैम्पू है डॉक्टर, चलें। और इसमें वो करती हैं, ये देखिए जिसमें जो है ना वो लगाती हैं, रखती हैं, मतलब जब पेन से तो आगे करना पड़ेगा उनको, क्योंकि बायो कर रही है ना वो, उसको तो करना पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, और एक और चीज़ भी है, मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगी, वो आखिर में आपको दिखाऊंगी। हाँ, वो बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, और फिर मैं हम बाद में हम दिखाते हैं आपको। और नमाज का भी टाइम हो रहा है, नमाज भी पढ़ेंगे, फिर बर्तन वगैरह व्लॉग का एंड भी करना है। हाँ, बर्तन वगैरह धो करना, फिर काम वगैरह जो है वो शुरू करेंगे, यानी कि खाना बनाना। तो अभी चलते हैं, और आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश भी करेंगे इंशाल्लाह से। तो चलें, इतनी बैठ जाएं, और बुलाओ कैमरा मैन को, बुलाओ ना आप मेरे साथ, कैमरा मैन आ जाओ, आप मेरे साथ बैठेंगे और साथ में बातें वगैरह जो है वो करेंगे, कुछ गुजारिश करनी है अपने व्यूअर्स से। सो व्यूअर्स, वेलकम बैक आपका। तो ये आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है ना हाथ से लिखा है, माशाल्लाह कितना प्यारा है। ये करीब से आप देखें तो हाथ की सफाई जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से सबकी बहुत अच्छी है। मेरी जो सिस्टर्स हैं उनकी बहुत अच्छी, यानी कि हाथ की सफाई है। तो इंशाल्लाह से अल्लाह पाक जो है ना वो खैर करेगा, और सब जो है ना वो बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो ये उन्होंने जो है ना शायद जो है ना किसी यूनिवर्सिटी की लड़की ने पता नहीं इजरार किया होगा, जिस पर जो है ना उन्होंने बनाया है, या कोई टीचर वगैरह, टीचर वगैरह ने कहा है कि ये बनाओ, तो फिर बनाना तो पड़ता है, टीचर का बात माननी पड़ती है। टीचर की बात माननी पड़ती है। हाँ जी, तो आप सबसे एक गुजारिश यही है कि आप सब ना हमारे ऐड ज़रूर देखा करें। बड़ी वीडियो इसलिए बनाते हैं कि मल्टीपल एड्स जो है ना वो लगें, और कुछ ना कुछ हो इस तरह से। तो 2500 व्यूज़ पर $1 बनता है, $1 भी यानी कि नहीं आता। ऐड वगैरह जो है ना आप वाच किया करें, जो ओवर यानी कि बाहर वाले देखते हैं वो ऐड ज़रूर वाच किया करें, तो उससे ना कुछ हमें फ़ायदा होगा। तो ये जो है ना एक गिफ्ट टाइप ही है, यानी कि गिफ्ट ही है, किसी को गिफ्ट ही देना है। मैम ने आगे किसी को शायद गिफ्ट देना होगा, तो इनकी जो है ना सिस्टर की उन्होंने पेंटिंग वगैरह चेक की थी कि काफ़ी अच्छी पेंटिंग है, तो इस वजह से जो है ना उन्होंने इन्हें कहा है कि भाई इस टाइप का कोई अच्छा सा मुझे ना बना दें। ये जो है ना मुसव्वर जो होते हैं, इन जो लिखते हैं, बिल्कुल जो पेंटिंग भी करते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी लिखा करते हैं, बिल्कुल उन जैसी, यानी कि ये जो है ना बना लेती हैं मेरी सिस्टर जो है ना, यानी अच्छी इनकी पेंटिंग है, और अभी तक इनका यानी कि कोई टेस्ट वगैरह नहीं हुआ पेंटिंग का। शायद फ्यूचर में जो है ना इनको अप्लाई वगैरह करवाएंगे इधर पाकिस्तान में, ऐसे जो है ना इन चीज़ों के लिए यानी कि कोई ख़ास वो नहीं है, फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, यानी कि इन चीज़ों को जो है ना वो नहीं समझा जाता। ये आर्ट्स हो गई, ड्राइंग हो गई, या ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनकी जो है ना सीट्स वगैरह अब आती नहीं है, पहले आती थी 2005-10 में आती थी अब जो है ना आने के बराबर है। मुझे खांसी आ रही है, गला खुश्क हुआ पड़ा है मेरा। सो व्यूअर्स, माजरत के साथ, मुझे ना खांसी आ गई थी, तो अब जो है ना खांसी कुछ बेहतर हो रही है, यानी ख़त्म होने को है, तो इंशाल्लाह जल्द जो है ना वो ये ख़त्म हो जाएगी और नॉर्मल यानी कि रूटीन फिर हो जाएगी। इसने बहुत तंग किया हुआ, यकीन करें जब क्लास में मैं बैठा होता हूँ ना, तो कोई चीज़ बोलूँ तो ऐसे यहाँ पर सीने में यानी कि ऐसे खड़खड़ होना, और बहुत यानी कि ये तंग करती है। तो आप लोगों ने सिरप बताए थे, एक बंदे ने सिरप बताया था, वो यहाँ पर मैंने 2-3 जगह पता किया है, वो नहीं मिला। हनी ले आया हूँ शायद, वो जो है ना वो यूज़ करनी है दूध में, इंशाल्लाह दूध में यूज़ करूँगा तो वो जो है ना इंशाल्लाह फ़ायदेमंद है सेहत के लिए भी, और दूसरी चीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है आपकी, यानी कि आपकी जो डेली रूटीन है, आपका माइंड है, उससे जो है ना वो तरोताज़ा रहता है, क्योंकि हनी जो है ना वो काफ़ी पावरफुल होती है शहद की, यानी कि शहद हो गई ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सो बाकी आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक अच्छी वीडियो में। आखिर में आप सबके लिए यही दुआ है कि आप जहाँ रहें कुछ रहें आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। तो जो आपसे गुजारिश थी, आपने उस गुजारिश को जो है ना उस पर अमल करना है,
और आपने जो है ना एड्स पूरे देखने हैं और वीडियो को भी पूरा वॉच किया करें, 6-7 मिनट, 6-1 मिनट की एवरेज व्यू ड्यूरेशन बनती है, इससे ज़्यादा बननी चाहिए क्योंकि वीडियो जो है ना वो 20-22 मिनट की होती है। और बड़ी वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि YouTube जो है ना उसको आगे रिकमेंड करता जाए, मतलब कि रुके ना वीडियो, अगर 10-12 मिनट की वीडियो हो तो वो कोई 200-300 व्यूज़ पे जाकर रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, और यानी CTR जो है, क्लिक थ्रू रेट जो है वो गिर जाता है, जैसे ही वो फीचर से ब्राउज फीचर या फिर किसी और यानी कि जो होते हैं उनसे निकलना शुरू करती है तो वो जो है ना स्टॉप हो जाती है और आगे जो है वो नहीं चलती, वहीं पर यानी कि रुक जाती है, तो व्यूज़ फिर नहीं आते। अगर बड़ी वीडियो ना वो आहिस्ता 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 अगर उसके CTR सही है, उसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन नहीं गिरी तो वो चलती रहती है और वो जो है ना स्टॉप नहीं होती और वो तकरीबन 2-3 दिन तक अच्छी खासी व्यूज़ जो है वो गेन कर लेती है। तो आपने, मुझे उम्मीद है अपने आप से यानी कि अपने ऊपर से भी ज़्यादा आपसे उम्मीद है कि आप जो है ना वो रिक्वायरमेंट यानी उसको फुलफिल करेंगे और इंशाल्लाह तो दोबारा मिलेंगे आपकी खिदमत में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।